आज मैं विदेश मंत्री जी को भी एक निवेदन देने वाली हूँ कि जितने भी टूर एंड ट्रैवल्स वाले जितने भी लोग यात्रा करने वाले थे बाहर देश में, क्योंकि ऐसे कितने ही फोन मुझे कल से आ चुके हैं कि हमारी यात्रा 31 मार्च को है, कोई बोले कि हमारी ये मंथ एंड को है, मिड ऑफ मंथ है, अप्रैल को है। तो मैं विदेश मंत्री से निवेदन करना चाहूंगी कि देश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जितने भी लोग हमारे देश से बाहर जाने वाले हैं या बाहर से आने वाले, उनको रद्द किया है, पर जिन्होंने ऑलरेडी बुकिंग कराई हुई है उनका नुकसान ना होते और टूर एंड ट्रैवल्स वालों का नुकसान ना हो, और जितने भी यात्री हमारे देश से बाहर जाने वाले हैं, जब तक विदेश मंत्री आदेश ना दे इन सब के पोस्टपोन किए जाए, कैंसिल ना करते हुए, किसी का नुकसान ना होते हुए इनको पोस्टपोन किया जाए, तो इससे हमारे देश के यात्री जो बाहर जाने वाले थे उनकी जिंदगियों से हम सेफ रहेंगे। तो ये भी मैं आज निवेदन देने वाली हूँ। 25 रुपए का मास्क आता है, अगर हर पब्लिक प्लेस पे गवर्नमेंट के तरफ से फ्री मास्क अगर लोगों को दिया जाए तो इससे सुविधा और अच्छी हो सकती है, क्योंकि अभी मैं आई हूँ तो सिक्योरिटी गार्ड से लेके सभी लोगों ने ये मास्क लगा के घूमे, तो मुझे लगता है सब मीडिया को भी देना चाहिए और जितने पब्लिक प्लेस पे काम करने वाले लोग हैं उनको भी देना चाहिए। कोरोना वायरस हिंदुस्तान के अंदर बहुत बुरी तरीके से आने की प्रोसेस के अंदर है और प्रिकॉशन मैं चाहता हूँ कि राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर दोनों जगह प्रिकॉशन लेनी चाहिए। मैं चेयरमैन साहब को भी एक लेटर लिख रहा हूँ कि थर्मल स्कैनिंग यहाँ पे होनी चाहिए। बहुत से मेंबर पार्लियामेंट और विजिटर और अधिकारीगण यहाँ पे आते हैं। कोरोना वायरस के अंदर विशेष तौर पे बात कही गई है कि भीड़ से बचना चाहिए और यहाँ पर बहुत अच्छी गैदरिंग होती है, तो यहाँ पे अभी तक ऐसे प्रोविजन नहीं किए गए हैं कि कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग के लिए सिस्टम बने। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ पर भी ये प्रावधान होने चाहिए। पार्लियामेंट में तैयारी हो जानी चाहिए थी परंतु अभी तक नहीं हुई, तो कम से कम आप भी ये संज्ञान में आए और ये तैयारियां शुरू हो जाए, क्योंकि एक महीने तक सत्र चलना है और किस प्रकार ये वायरस फैलता है, इस वायरस से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि हम सावधानी बरतें।